एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर न्यू ब्लॉग। तो मैं अपने किचन में हूँ और अभी बज रहा है 5:30 और मैं बना रही हूँ नारियल का लड्डू, जिसे नाड़ू भी कहते हैं। तो ढेर सारा नारियल हुआ था और बहुत दिनों से सोच रहे थे कि कब इसका श्री गणेश होगा, तो आज फाइनली इसका लड्डू बनेगा और इसी में से थोड़ा सा स्टफिंग में लौंग लत्ता के लिए निकाल लूँगी। तो अभी मैं लग गई हूँ एकदम, यहाँ में किचन का मेरा ऑलमोस्ट काम, जितने भी बर्तन थे लंच का जितना भी था सब साफ कर ली हूँ और ये बनाऊँगी। और इसके बाद बरात में तो बहुत टाइम हो जाएगा, डिनर विनर सब बना लेंगे। तो अभी मैं मैदा जा रही हूँ गूंदने, तो शाम हुआ है, चाय का भी टाइम हुआ है, तो मेरा फेवरेट है तो चाय के साथ नमकीन पूरी, तो वो भी सोच रहे वो भी बना लूँगी। ऐसे भी मैदा सानना है तो थोड़ा मैदा का जो पूरी है ना और चाय मज़ा आ जाता है। चलिए लग जाते हैं बनाने में। नारियल, गुड़ और मिश्री डाल के मैं काफ़ी देर से इसे धीमे धीमे आँच में कभी तेज करके अच्छे से भून रही हूँ और ये काफ़ी अच्छा हो गया है। तो इसका अब लड्डू बंधा जाएगा। तो इतना ज़्यादा भूनना है दोस्तों धीमे आँच में कभी तेज करके कि किसका लड्डू बन जाए। तो अभी ये जब तक हो ही चला है, थोड़ा सा फ्लेम को मैं कम कर दूँ, तो अब ये हो ही गया, बंद कर दूँगी। तब तक मैं ये मैदे को गूँध लेती हूँ, गूँध के रख दूँगी, इसके बाद लड्डू बना लूँगी। मैदा गूंधी तो रिफाइंड ऑयल में ही गूंधी। इसके बाद मैं एक्स्ट्रा ढूंढ रही थी तो रिफाइंड ऑयल नहीं था, खैर के देख लिए तो हबी को बोले प्लीज़ ला दीजिए, तो हबी अभी गए लेने के लिए। और सब तैयारी कर ली हो ना, तो अब तो बनाना ही पड़ेगा, तो इसलिए बोली अगर पहले इससे चेक की रहती नहीं था तो फिर आराम से बनाते फिर कोई और दिन, बट आज पूरा तैयारी कर ली थी तो हबी बोले ठीक है मैं ला देता हूँ। तो यहाँ पे नारियल भी काफ़ी अच्छे से भून चुके हैं और यहाँ पे रिफाइंड रखती हूँ और यहाँ रखती हूँ मस्टर्ड ऑयल। तो रिफाइंड जितना था उसे मोहन के लिए मैं मैदा गूंध ली थी ले करके, और फ्राई करने के लिए तो अच्छा खासा चाहिए रिफाइंड ऑयल, तो अभी बोले ला देता हूँ। हालांकि मुझे इस तरह से मतलब अचानक से कोई चीज़ ख़त्म हो जाए ना और फिर बोलिए तो फिर उससे मैं खुद भी ख़राब लगता है कि पहले चेक कर लेना चाहिए था। तो जहाँ मैं सारा ग्रॉसरी का सामान रखती हूँ ना एक्स्ट्रा, वहाँ ढूंढी तो वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिला और मुझे लग रहा था कि होगा। एक्चुअली रिफाइंड ऑयल का बहुत कम यूज़ है ना, तो कब 2 पैकेट था, 1 पैकेट का यूज़ हो गया, मुझे याद भी नहीं था। तो जब अभी ले आएंगे तब मैं ये बाकी का प्रोसेस करूँगी, लेकिन अभी जो है लड्डू बन जाएगा, लड्डू बना लेंगे। और ये रिफाइंड डाल करके थोड़ा सा मैं और बढ़िया से इसे गूंद के रख देती हूँ। मेरी लाडो रानी आ गई और हम सबको दोस्तों नारियल का लड्डू है ना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ज़्यादातर मैं गुड़ में ही बनाती हूँ। गुड़ वाला क्या है हेल्दी हो गया, चीनी वाला का भी एक अलग ही टेस्ट लगता है, तो मैं इसमें मिश्री और गुड़ डाल करके बनाई हूँ ना, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। और बेटी आ गई है तो बेटी को भी वो गोल गोल जो बॉल लड्डू बनाते हैं ना वो प्रोसेस इसे बहुत अच्छा लगता है करना, तो बोल के रखी थी मम्मा हेल्प चाहिए होगा तो बोलिएगा। तो टाइम पे आ गई और बॉल बना लेता, हालांकि मैं फटाफट कर लूँगी बट होता है ना मिलजुल के अच्छा लगता है। तो गपशप करते हुए हम लोग माँ बेटी लड्डू बना लेते हैं और काफ़ी अच्छा ठंडा हो गया, मतलब एकदम ठंडा भी नहीं होना चाहिए और ना एकदम गर्म। तो थोड़ा सा पानी ले करके कटोरी में और हाथों को गीला कर लीजिए, इसके बाद लड्डू काफ़ी अच्छा बन जाता है दोस्तों। तो बहुत ज़्यादा नहीं है,
थोड़ा ही है नारियल, तो इसमें आराम से 20-25 बॉल तो बन ही जाएंगे। और इसी में से थोड़ा सा मैं लौंग लत्ता के लिए स्टफिंग भी रख लूँगी और गुजिया भी बनाऊँगी, तो उसके लिए भी। तो जस्ट इसी तरह थोड़ा थोड़ा सब चीज़ टेस्ट करना है। तो आज मूड किया है कि कुछ अपने हाथों से मीठा बना के खिलाएं सबको। तो जितना भी खाली खाली बॉटल था सबको यहाँ पे लगा दी हूँ और ये भर भी रहा है। इधर हम लोग लड्डू भी बना रहे हैं। तो इतना देखिए लड्डू बना और दोस्तों इतना टेस्टी लगता है ना, मतलब अगर लड्डुओं में अगर राजा बोले ना तो मेरा तो ये नारियल का लड्डू राजा है। लड्डुओं का राजा नारियल का लड्डू। ये बाकी का जो बचा हुआ है इसका मैं बना लूँगी लौंग लत्ता और गुजिया। तो ये जो प्रोसेस था ना इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है और मुझे किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी दोस्तों, तो मैं आ गई अपने मास्टर बेडरूम में और यहाँ चल रहा है एसी, तो पेपर बिछा ली, सारे सामान यहाँ ले आई और आराम से बैठ के ठंडे ठंडे में बेल बेल के बना लेती हूँ। तो ढेर सारा मैं पहले बेल ली, इसके बाद बीच में स्टफिंग रख दी और फिर एक इधर से फोल्ड करूँगी, फिर उधर से और पीछे पलट के दोनों साइड को इस तरह से फोल्ड करके एक लॉन्ग को बीच में रख देंगे। बस ये हो गया। तो अब मैं बना लेती हूँ गुजिया। तो स्टफिंग तो सब एक ही है बट गुजिया और लौंग लत्ता का टेस्ट बिल्कुल अलग होने वाला है। तो लौंग लत्ता तो जाएगा चाशनी में और गुजिया बस फ्राई करके निकाल लेना है। और ये जो दोस्तों आटा बचा है ना इसमें थोड़ा नमक मंगरेला डाल के और थोड़ा इसे और थोड़ा ज़्यादा कर दूंगी और इसका बनाऊँगी दोस्तों इसी तरह नमकीन पूड़ी जैसा, ट्रायंगल पूड़ी और गर्मा गर्म चाय के साथ। तो हम लोग का हो जाएगा शाम का एक हल्का सा नाश्ता। तो सारा सामान मैं ले आई वापस किचन में और अब चलिए इसे कर लेते हैं फ्राई। तो अभी भी ऑयल लेकर के आ गए रिफाइंड ऑयल, तो दो पैकेट लाए हैं, एक पैकेट इसमें डाल दिए हैं। और यहाँ पे है मैंगो और खीरा थोड़ा कम हो गया था और सबको पानी में डाल के रेडी कर दिए हैं और अब मैं फटाफट सबको फ्राई कर लेती हूँ दोस्तों। तो फटाफट गुजिया में फ्राई कर लेती हूँ और ये जितने भी आटा थोड़ा सा मैदा बचा हुआ था ना तो इसमें थोड़ा सा मंगरेला, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा इसे चटपटा कर देती हूँ ताकि जो नमकीन ट्रायंगल पूड़ी बनेगा ना तो वो गर्मा गर्म चाय के साथ खाने में मज़ा आ जाएगा।
तो गुजिया यहाँ पे मैं निकाल ली। अब मैं डाल देती हूँ लौंग लत्ता। तो जब तक ये फ्राई हो रहा है ना, तो जो गुजिया मैं छान ली हूँ इसे मैं दे देती हूँ बच्चों को। यहाँ पे है बेटी मेरी और दीदी है। तो बोली मम्मा पहले आपको खिलाते हैं। तो बहुत ज़्यादा गर्म था तो बहुत टेस्टी बना है दोस्तों। और इधर मैं थोड़ा सा चाशनी बैठा दी। तो बहुत ज़्यादा चाशनी नहीं बनाना है दोस्तों, हल्का चाशनी, थोड़ा सा गाढ़ा रहेगा। और जैसे जैसे फ्राई हो रहा वैसे वैसे डीप करके और इसे निकाल देना है। और नेक्स्ट जब निकलेगा ना लौंग लत्ता, तो इसे निकालने के बाद चाशनी में डालूँगी। तो चाशनी में डूबा हुआ रहेगा ना तो वो उतना अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा चाशनी से तुरंत निकाल लीजिए और बस थोड़ा सा जो लेयर चाशनी का लगा हुआ रहता है और कुरकुर बड़ा टेस्टी लगता है, मज़ा आ जाता है दोस्तों। और लौंग लत्ता भी बन गया। अब बना लेते हैं ये नमकीन। तो मिस्टर हवि आ गए हैं और बोल रहे हैं कि लाओ मैं छान देता हूँ। और बैकग्राउंड में लगा दिए हैं बॉलीवुड सॉन्ग। और मैं इनको बोल रही हूँ कि अब तो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा थोड़ा सा भी अगर साउंड किया तो। खैर मैं साउंड को म्यूट कर दूँगी। और इनको लग रही है गर्मी, पूरा भींग गया है। और तो ज़्यादातर अभी इसी तरह घर में घूमते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं चाय बैठा दी हूँ और साथ में नमकीन और सब मीठा। तो सबसे पहले ये चाय और ये नमकीन खाएंगे। और कुछ अलग अलग डिज़ाइन में कट की हूँ, तो एक छोटा छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का। तो बढ़िया, बहुत टेस्टी लगा सबको। और इसके बाद मैं वीडियो शूट नहीं की थी और सीधे मैं मिल रही हूँ आप लोगों से अपने गार्डन में अपने प्यारे प्यारे प्लांट के साथ। और ये जो पॉट है ना, बुद्धा वाला पॉट, इसमें मुझे लगाना था जेट प्लांट। तो बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि इस पॉट में मैं जेट प्लांट की कटिंग लगाऊंगी। तो कटिंग मैं इसमें लगा दी और आई होप सो ये चल जाए। तो जितने भी अभी मैं कटिंग लगाई हूँ ना जेट प्लांट का, सब तो ठीक ठाक चल गया है, लग गया है। और ये वाला स्टैंड में मैं सिर्फ जेट प्लांट ही लगाई हूँ, जो बहुत अच्छा लगता है। मिट्टी लग गया था तो दोस्तों बहुत प्यारा लग रहा है ना। तो सब इसमें कटिंग ही लगा हुआ है और मैं डेली चेक करती हूँ सब ठीक ठाक है ना। तो बहुत टेंशन हो जाता है अगर एक भी कटिंग थोड़ा सा नहीं लगे ना, बहुत टेंशन हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ आ गया न्यूज़पेपर, इसे ले लेती हूँ। और दोस्तों मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव एंड ऑलवेज स्माइल। टाटा।